अपने इंतहा पसंदाना और जारहाना अंदाज को अपनाए हुए है। एक जानिब कोरोना के बायस आए रोज मुल्क में बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बायस शहरी फाका कशी पर मजबूर हैं, करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई हैं, मईशत दिन ब दिन गिर रही है, मगर मोदी की इंतहा पसंदाना सोच है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय सरकार ने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए अगले 10 दिनों में 10 मिसाइल्स तजुर्बात करने का ऐलान किया है। भारत में दिफाई तहकीकाती इदारे के मुताबिक मोदी सरकार अगले चंद दिनों में 10 खतरनाक मिसाइलों के तजुर्बात करके पाकिस्तान और चीन को सख्त पैगाम देगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दिफाई इदारा अगले हफ्ते 800 किलोमीटर रेंज नीरभाई सबसोनिक क्रूज मिसाइल फायर करेगा, जो फौज और बहरिया के सपुर्द किए जाएंगे। वाजिर है कि इससे कबल भी तकरीबन 1 माह के दौरान हर 4 दिन बाद एक मिसाइल तजर्बा किया जा चुका है। इत्तलात के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस को तौसी देते हुए मजीद तजर्बात करने का ऐलान भी किया, यानी मजीद मिसाइल भी फायर किए जाएंगे। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है, ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल पर जो पृथ्वी 2 मिसाइल की इब्तदाई आजमाइश है, उसके बाद भारतीय फौज के हवाले ये पृथ्वी 2 कर दिया जाएगा। इस वक्त भारत ने खत्ते में असलहे की एक नई दौड़ का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान इससे कबल कई बार आलमी बरादरी को नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदाना नजरियात के बारे में खबरदार कर चुका है। मोदी हुकूमत के इन्हीं नजरियात के बायस खत्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। अब जरूरत इस अमर की है कि आलमी बरादरी भारत के फैशिस्ट ख्यालात की बहकुनी करने के लिए इकदाम करे, ताकि दुनिया में अमन